शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ वरदानों की सीरीज के जो 108 वरदानों के मनके की माला है उसका अगला वरदान यानी कि वरदान नंबर 24 आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारा समय वरदानों की सीरीज को बनाने के लिए लगाया है, उसके ऊपर खोजबीन की है, हजारों हजार लोगों से मिलने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से नवग्रह देवताओं की कृपा से आप सभी लोगों में से कुछ विशेष लोगों को उनके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जिनका लेखा जोखा यमराज के जो असिस्टेंट हैं चित्रगुप्त देवता जो हैं वो रखते हैं और उसके आधार पर विभिन्न नवग्रह देवता आपको अपने शुभ और अशुभ फलों को प्रदान कर इन्हीं कुछ विशेष शुभ फल जो हजारों लाखों जन्म कुंडलियों में से हजारों लाखों व्यक्तियों में से एक आद व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के वरदानों के बारे में मैं अपनी रिसर्च को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। हमारा जो वरदान नंबर 24 वह आपको केतु से संबंधित की विशेष कृपा के फल स्वरूप प्रदान होता है। क्या है इसके शुभ फल जो वरदान के रूप में आपकी सारी जिंदगी में खुशियां भर देते हैं, तो इस विषय पर आगे चर्चा करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के यानी घंटी के बटन को दबाना आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप घंटी के आइकन को दबाएंगे तभी आपको हमारे जो नए नए वीडियो जो हम आप सभी लोगों के लिए बनाते हैं या वरदान सीरीज में जो 108 वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं उनकी सारी जानकारी रिलीज होने के साथ ही उस वीडियो के आपको स्वतः ही आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और सब्सक्राइब के बटन के तुरंत पश्चात आप बेल के आइकन को अवश्य दबाएं। जिन्होंने इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है मगर बेल का आइकन नहीं दबाया तो वो बेल का आइकन यानी घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि उन्हें घर बैठे उनके मोबाइल पर हमारे हर नए वीडियो के बारे में गुरु महारुक्मणी के नए वीडियो के बारे में और स्वामी राज ऋषि का जो डेली राशि फल आता है उसकी तुरंत सूचना उनके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो हम चर्चा कर रहे थे वरदान नंबर 24 के बारे में। वरदान नंबर 24 कहता है केतु दैत्यराज केतु द्वारा प्रदत्त उस वरदान के बारे में जो वरदान कहता है कि आपका जन्म सम्मानित फैमिली में बहुत रेपुटेड फैमिली के अंदर आपका जन्म होगा यानी जन्म से ही आप भाग्यशाली हो जाएंगे। यह वरदान केतु महाराज आपको आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप प्रदान करते हैं। आप इस वरदान से गुप्त विद्या के भी पारंगत बनते हैं, ज्योतिषाचार्य भी बनते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी महारत हासिल कर लेते हैं इस वरदान के फलस्वरूप। ऐसा है यह अभूतपूर्व वरदान नंबर 24 जो केतु महाराज की कृपा दृष्टि के कारण आपके पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के फलस्वरूप आपको इस जन्म में प्राप्त हुआ है। इस बात की चर्चा करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः कहना चाहूंगा जो भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान है चाहे वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई या उनका पढ़ाई लिखाई में मन न लगने से या उनके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे उस वजह से परेशान है या उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है या आपकी अच्छी नौकरी नहीं है या आपका बॉस आपको परेशान करता है इस वजह से परेशान है या शादी प्रेम से संबंधित परेशान है कि शादी आपकी नहीं हो पा रही है हो शादी
तय होती है, रिश्ता टूट जाता है, या आपको आपकी प्रेमिका धोखा दे रही है, या आपका प्रेमी आपको धोखा दे रहा है, या आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, धन की कमी से आप परेशान हैं, संतान के होने या ना होने की वजह से परेशान है, यानी आपको शादी के बहुत समय बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उस वजह से आप परेशान हैं, अपनी बीमारियों की वजह से परेशान है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी की वजह से परेशान है, अपना आपका बिजनेस सेटअप नहीं हो पा रहा है उस वजह से परेशान है, या बिजनेस में बाधा आ रही है उस वजह से परेशान है, या आप विदेश जाना चाहते हैं मगर विदेश नहीं जा पा रहे हैं इस वजह से परेशान है, क्योंकि रुकावटें आपके रास्ते में अड़चने बनी हुई है, अलग अलग तरीके की रुकावटें आपके आपको आपके हर कार्य में बाधा पहुंचाती है, या फिर आपके पास अपना मकान नहीं है, अपनी कार नहीं है, या अपना व्यापार स्थल यानी कि दुकान या ऑफिस नहीं है इस वजह से परेशान है, तो आप निसंकोच जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर मुझसे यानी गुरु रजनीश ऋषि से, गुरु मां रुक्मिणी से, या स्वामी राज ऋषि से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी हर प्रकार की परेशानी के लिए बिना किसी झिझक के आप चर्चा कर सकते हैं, चाहे वह परेशानी आपकी बीमारी से संबंधित ही क्यों ना हो, तो इस विषय पर आप बिना किसी झिझक के हमसे चर्चा कर सकते हैं। निसंदेह इस सब के लिए आपको एक बहुत छोटी सी फीस देनी पड़ती है, उस फीस से हम यहाँ पर यहाँ की संचालन व्यवस्था, आप लोगों को जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं हमारे, जो कि हमारे अब 3200-3300 वीडियो आप लोगों के सामने आ चुके हैं, उन सबको बनाने इत्यादि में जो पैसा खर्च होता है, यहाँ पर हम कंप्यूटर कोर्स चलाते हैं गरीब लड़कियों के लिए, उस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को संचालन करने के लिए, और उन लड़कियों को उनमें से प्रत्येक लड़की को स्कॉलरशिप दी जाती है उसके लिए, या जो हम यहाँ से प्रसाद व्यवस्था चलाते हैं मंगलवार और शनिवार के दिन, उस प्रसाद की व्यवस्था को चलाने के लिए कार्य में आती है। तो आप जो भी फीस के रूप में पैसा देते हैं वह निसंदेह एक शुभ कार्य में प्रयुक्त होता है। आप बिना किसी झिझक के, चाहे वह आपकी बीमारी की समस्या क्यों ना हो, इस स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क स्थापित करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी परेशानियों के लिए उपाय जान सकते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि दैत्यराज केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में, यानी जिस भी जन्म कुंडली को आप देख रहे हैं उस जन्म कुंडली के अंदर दैत्यराज केतु शुभ होकर बलि होकर, घर तो उनका कोई भी नहीं है, जैसे राहु महाराज का कोई घर नहीं है तो केतु महाराज का भी कोई घर नहीं है, तो मित्र के घर में बलि होकर, यानी कि 12-13 डिग्री से लेकर 23-24 डिग्री के बीच में बलि होकर मित्रों के साथ या मित्रों के घर में अकेले ही बैठे हुए हों, तो वह आपको यह वरदान देते हैं कि आपका जन्म एक बहुत रेपुटेड फैमिली में होगा, आप आगे चलकर ज्योतिषाचार्य, गुप्त विद्याओं के ज्ञानी और समाज में प्रसिद्धि रखने वाले व्यक्ति, समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जीवन जीने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से बनेंगे, ऐसा है केतु महाराज का यह वरदान। इसके साथ ही मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, आज जो समय है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था का यानी कि वोटिंग का एक अद्भुत समय चल रहा है, जहां पर हम अपनी प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव भी इसी परंपरा के तहत होता है, और आपके इलाके के लिए आपके एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद का चुनाव भी इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। सिर्फ आप लोगों से अनुरोध है कि वोट अवश्य डालने जाएं, मगर वोट उस व्यक्ति को दें जो आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए विकास के कार्य करता, आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा होता हो, उसी व्यक्ति को वोट, जिसने आपके देश का नाम रोशन किया हो, आपके देश के लिए कुछ किया हो प्रैक्टिकली, उस व्यक्ति को बिना किसी झिझक के वोट दें, अपने छोटे से लालच में, अपनी अंधभक्ति में न डूबें। राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म से भी ऊपर राष्ट्र आता है, तो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए और अपने देश के नव निर्माण के लिए उस व्यक्ति को चुने अपने क्षेत्र से जो उस क्षेत्र में विकास कार्य सच में ही करता हो। ऐसा ना हो कि आप किसी छोटे से लालच में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करते हो, जो सच में आपके क्षेत्र का विकास करता हो,
जो आपके देश के विकास में सहायक हो, सिर्फ और सिर्फ उसी को वोट करें। और मैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री बने भगवान के आशीर्वाद से, तो आप वो तीन महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? बिना किसी झिझक के आप हमारे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी भावनाओं को तो अंकित करें कि आपके मन में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या विचार है। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपकी भावनाओं को अपने होने वाले प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकूं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। शीघ्र ही दोबारा आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा एक नए वरदान के साथ। जय शनिदेव।